हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रो टेक्निकल एमपी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए लिया है ये इलेक्ट्रिक कार, जो बच्चे चलाते हैं। काफी आपने बच्चों को देखा होगा ये कार यूज करते हुए। तो दोस्तों, इसको कहाँ से खरीद सकते हैं और मैंने कहाँ से ली है, तो ये भी आपको बताएंगे वीडियो में। तो पहले दिखा देता हूँ इसका रिव्यू की गाड़ी कैसी है और किस टाइप से चलती है। मैं आपको पूरी चला के भी दिखाता हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहे। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक कार्स पहुंच चुकी हैं। तो दोनों पार्सल आ चुके हैं, तो अभी हम करेंगे इसको अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं एक एक बॉक्स खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें कौन से कलर की आपने जैसा कि देख लिया होगा स्टार्टिंग में कि हमारे पास एक वाइट कलर की और येलो कलर की कार है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है इसमें बॉक्स पैकिंग आती है और ये काफ़ी मतलब जो है अच्छी पैकिंग में भेजा था। डैमेज किसी भी प्रकार का 1% भी डैमेज नहीं हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग कार्टून है। तो दो कार मैं परचेस करके लाया था दिल्ली से। तो दोस्तों, उसका जो है ये कॉस्ट वगैरह ये सब चीज़ें जो है आपको पता चलेंगी आगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक ये कार है, जो इसमें तीनों व्हील्स हैं और एक व्हील जो है वो कार के अंदर है। तो इस टाइप के जो है वाइट कलर की कार देख पा रहे हैं और काफ़ी मतलब अच्छी पैकिंग है। किसी प्रकार से डैमेज वगैरह का कोई इशू नहीं हुआ इसमें और बिल्कुल सेफली मेरे पास दोनों प्रोडक्ट पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये भी आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो है येलो कलर की, यहाँ पे ऑरेंज कलर की, सॉरी येलो बोल रहा हूँ मैं, ऑरेंज कलर की जो है एक कार और हमने ऑर्डर की थी। तो दोनों सेम मॉडल है और दोनों सेम प्राइस में थी। तो दोस्तों, मेरे को दो गाड़ियाँ चाहिए थी अपने घर के लिए, तो मैं दो गाड़ियाँ लेके आया था। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये ऑरेंज ब्लैक कलर में है ये, इस टाइप से जो है ये कार, इसमें भी बिल्कुल सेफ मेरे पास पहुंची, किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा था उन्होंने, तो मुझे लग रहा था हो सकता है कि पहुंचने में डैमेज हो। मैंने पार्टी से पूछा था तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, डैमेज नहीं होगा। और वही हुआ कि मेरे पास बिल्कुल सेफली पहुँच गया है। तो इसको अनबॉक्सिंग अपन ने कर लिया है, अब इसको करना है असम्बलिंग। तो इसको असम्बलिंग करेंगे, वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं व्हील्स है दोनों कार्स के, प्लस ये दोनों कार्स अपन ने निकाल के रखी हैं और ये दोनों कलर में है, एक ऑरेंज वे और एक जो है आपका वाइट कलर में। तो इसमें ये असेंबल करने का तो मैंने खास वीडियो नहीं बनाया, तो उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ये हमारी शॉप है हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ई बाइक्स या साइकिल्स के कंपोनेंट्स अवेलेबल रहते हैं, ये कार्स हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती। ये तो मैं घर के लिए ले आया हूँ, बाकी हमारे पास ई साइकिल के लिए पार्ट्स, इलेक्ट्रिक साइकिल, ई बाइक, स्कूटी के लिए हम मोटर्स, लिथियम बैटरीज, ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ, देखें पूरा वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं ये ऑरेंज कलर की कार अपन ने असेंबल कर दी है, बाकी जो है वाइट कलर की कार अभी असेंबल करना बाकी है। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि ये लंबा वीडियो होने वाला है, तो दोस्तों मैं दो पार्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ। एक पार्ट में आपको ये इलेक्ट्रिक कार का जो है ओपन करके ये पूरा अनबॉक्सिंग और रिव्यू दूंगा, इस वीडियो में आगे आपको रिव्यू मिलेगा। और दूसरे पार्ट में जो है जहाँ से मैं परचेस करके लाया हूँ दिल्ली से, उनका शॉप का एड्रेस वगैरह सब चीज़ें उस वीडियो में मिलेगी, नंबर वगैरह हर एक चीज़ शो करूँगा कितने की है, सब चीज़ें जो है उस वीडियो में आपको मिलेगी दोस्तों। कहां से मैं परचेस किया, शॉप का एड्रेस और शॉप बराबर एक पूरी मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं कि कहां से मैं परचेस करके आया हूं और शॉप की डिटेल्स। मैं शॉप जाके परचेस किया, मैंने घर बैठे ऑनलाइन परचेस नहीं किया दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को एंड तक देखे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये रिमोट है इसका, अपन ने रिमोट उठा लिया है और ये आप देख पा रहे हैं, इसको गाड़ी को हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं और इसको अभी फिर इसको टर्न करते हैं इस साइड। तो यहाँ पे इंडिकेशन बना हुआ है रिमोट पे, तो ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से गाड़ी चलती है। साइड रख पूरा,
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी जो है ये रिमोट के थ्रू भी ऑपरेट होती है, प्लस उसमें जो है थ्रॉटल भी है ताकि जो है बच्चे आराम से इसको चला पाए। तो ये अभी मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ किस प्रकार से चलती है, आप देख पा रहे हैं। तो अभी इसका इसमें अलग अलग गियर्स हैं, तो आपको सामने लाइए तो मैं दिखा देता हूँ समझ ना। तो ये है रिमोट, रिमोट में इसमें जो है ये 3 स्पीड रहती है, इसमें जैसे ही एस का बटन दबाते तो स्पीड इसकी जो है कम हो जाती है, आप देख पा रहे हैं स्लो चलने लगी। फिर मीडियम में डालते हैं तो इसकी फिर स्पीड जो है थोड़ी तेज हो जाती है, फिर थर्ड में डालते हैं तो उसकी जो है स्पीड ज्यादा हाई हो जाती है। तो इसमें जो है अलग अलग रिमोट में स्विचेस हैं, तो अभी मैं इसको स्लो कर देता हूँ। इसमें स्विंग मोड भी है, आपको दिखा देता हूँ स्विंग मोड। अपन इसको स्विंग मोड, अभी पार्किंग आ गया, ये स्विंग मोड है, आप गाड़ी देख पा रहे हैं ये स्विंग मोड में चल रही है। तो अगर इसको स्विंग मोड करते हैं तो ये बच्चे को बैठा के आप स्विंग खाली झूले टाइप का एक उनको फील दे सकते हैं। तो स्विंग मोड को अपन बंद करते हैं। तो ये थी गाड़ी। तो दोस्तों अभी इस गाड़ी में क्या क्या लगा है हर एक चीज की जानकारी देंगे, और कहाँ से अपन ने परचेस की है वो भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ लाइए थोड़ा, ये आप देख पा रहे हैं इसमें जो है ये पूरा इस टाइप का ये पूरा ये गाड़ी है। इसमें जो है ये स्विच है यहाँ पे ऑन और ऑफ करने के लिए, रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए, प्लस स्विंग मोड, स्पोर्ट मोड, प्लस यहाँ पे जो है इस टाइप का जो है मीटर दिया हुआ है। अभी इसमें स्टीकर भी नहीं लगा पाया क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है अभी कल मैं असेंबल कर रहा था तो टाइम नहीं था। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे USB वगैरह लगा सकते हैं जहाँ पे बच्चे को आप गाना वगैरह सुनाने के लिए। प्लस इस टाइप का कुछ लुक है जो अपन ने परचेस किया, गाड़ी दो गाड़ियां परचेस की हैं तो इस टाइप का लुक है। और ये जो थार मॉडल है ये इसलिए जरूरी है ताकि जो है अगर आप बच्चों को देते हैं कहीं ब्रेकर में होगा और ब्रेकर है या कहीं गार्डन है तो इजिली, या गड्ढा है तो इजिली जो है उसको क्रॉस कर पाए। तो इसलिए जो इस टाइप का जो है लुक है गाड़ी का, आपने लुक देख लिया। और इसमें क्या क्या लगा है मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा क्योंकि अभी मैंने इसमें स्क्रू नहीं लगाया ताकि जो है आपको पूरी डिटेल दे पाऊँ। तो ये दो बैटरी लगी हुई है मेरे ख्याल से, ये 4 एम्पीयर की ये बैटरीज हैं 12 वोल्ट की, तो ये 6 वोल्ट की होंगी या 12 वोल्ट, हाँ 6 वोल्ट की मेरे हिसाब से लगती है बैटरियाँ क्योंकि इसमें 12 वोल्ट से ऑपरेटेड है बीच में, क्योंकि जो उस प्रकार से कनेक्शन दिया गया है 6 वोल्ट 4 एम्पीयर की मेरे ख्याल से इसकी बैटरीज है। और ये आप देख पा रहे हैं इसमें ये 2 मोटर्स यहाँ पे है, एक मोटर यहाँ पे, और ये कंट्रोलर है प्लस इस टाइप का जो है इसमें, यहाँ पे ये चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे ये चार्जिंग सॉकेट है, प्लस ये थ्रॉटल है। अभी इसको मैंने सेट नहीं किया है क्योंकि ये जब गाड़ी आई थी तो ये मैंने असेंबल की है पूरी गाड़ी। प्लस यहाँ पे भी फ्रंट में भी आपको दोनों व्हील पे आपको ये मोटर मिल जाती है, फ्रंट में दोनों व्हील पे इसकी ये 5 मोटर वाली जो है, 5 मोटर वाली ये जो है ये जीप है बच्चों की, और हैंडल पे एक मोटर है। तो ये 4 मोटर जो है व्हील्स पर है और एक मोटर जो है इसके हैंडल पर है, प्लस ये पीछे का कुछ इस टाइप का लुक है। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा, शॉप से जहाँ से अपन ने परचेस की है दिल्ली झंडे वाला मार्केट से, और ये काफी अच्छे रेट में मिल गई क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत सारे लोग डाल तो रहे हैं मगर कौन ऑथेंटिक है कौन फ्रॉड है ये जानना बहुत मुश्किल है। इस वजह से जब अपन ने यहाँ से परचेस की पार्टी से तो उनका अपन वीडियो भी बना के हैं, तो वो आपको वीडियो जो है आगे आपको देखने में मिलेगा। तो आपने टोटल रिव्यू देख लिया इस गाड़ी का कि किस प्रकार की ये गाड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहे, आपको शॉप भी दिखाते हैं कहाँ से अपन ने परचेस की है, किस प्रकार से अपने पास रिसीव हुआ हर एक चीज जो है जानकारी आपको इस वीडियो में।